संघ जननी माँ करुणा रूपिणी माँ, करुणा रूपिणी माँ, अम्ब संघ जननी माँ, अम्ब संघ जननी माँ, जय जग जननी जय जग जननी माँ, अम्ब जगदोद्धारिणी माँ, अम्ब जगदोद्धारिणी माँ, जय जग जननी माँ, जय जग जननी माँ, अम्ब जगदोद्धारिणी જય ઠાકુર. આજ મહારાજના સત્સંગનો આ ત્રીજો દિવસ, બે દિવસ એટલી બધી સરસ વાતો આપણને સાંભળવા મળી, એમ થાય કે સાંભળ્યા જ કરીએ. ઘણી બધી નવી ઘટનાઓ મા વિશે, આજે પણ મહારાજ મા વિશે ઘણી ઘટનાઓ કહેશે. મહારાજને શરૂ કરીએ પહેલાં નમ્ર વિનંતી, આપના બધાના મોબાઈલ એક વખત ફરીથી ચેક કરી લો, સાયલેન્ટ મોડ ઉપર રાખવા વિનંતી, જેથી ડિસ્ટર્બ ન થાય. મહારાજશ્રી નમ્ર વિનંતી, આજનો સત્સંગ કરાવ. ભક્તાનુકંપાર્થ મનોવિચિત્રમ લીલા શરીરે બહુધા રમંતમ જ્ઞાનાદિકિર્માંતધનમ વિશુદ્ધમ શ્રીશારદાં ત્વાં સતતમ નમામિ. तो आज दो प्रकार से मेरे पास अनुरोध आए हैं. कुछ कुछ भक्तों ने आग्रह प्रकाश किया है कि माँ के ही बारे में और बोलिए. जितना सुन रहे लग रहा कि कुछ भी नहीं सुना माँ के बारे में. और कतिपय भक्त ऐसे भी हैं जो जिनों का अधीर आग्रह है प्राचीन साधुओं के जीवनी के बारे में, माँ के दूसरे दूसरे साधु ब्रह्मानंद महाराज, महापुरुष महाराज, शारदानंद महाराज या तुरियानंद महाराज को जिन लोगों ने देखा है, ऐसे जिन साधुओं का संग करने का सौभाग्य मुझे सेवा करने का मिला था, उनके बारे में कुछ बोलने के लिए. तो कभी कभी वक्ता लोग भी किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, क्या कहें, किन की बात सुने, क्या कहें, समय तो बस आज आखिरी ही दिन है. तो भाई बोल रहे थे कि यहाँ पर तीन चार दिन और रह जाइए, चार दिन और बोल दीजिए, सात दिन हो जाएगा तो पूरा के पूरा हो जाएगा. मगर ये मोटे महाराज बोलेंगे हाँ इतना दिन, तो फिर और इसके बाद से आना ही नहीं होगा. तो इस बार जाता हूँ, फिर से आएंगे कि एक बहाना बना कर फिर से आना होगा. चलिए दो चार बातें. काशीश्वरानंद महाराज बोल के थे, बलाई महाराज, राजा महाराज के शिष्य. उनको बस एक खेद था, वे चाहते तो माँ को देख सकते थे, चाहते तो माँ से भी दीक्षा ले सकते थे, मगर उनके मन में क्या हुई, नहीं
कि गुरु औरत होगी मेरे गुरु। फिर ब्रह्मानंद महाराज के बारे में खूब सुना, फिर उनके माताजी ने भी आग्रह किया। उनके माताजी पिताजी माँ के शिष्य थे, शिष्या थे, तो माँ की खूब इच्छा थी कि नहीं मेरा बेटा भी। माँ हंसती रहती थी माँ को, जब उनके माँ कहा करती थी कि मेरे बेटा को जरा आप बुलवा लीजिए, वो तो आना ही नहीं चाहता यहाँ पर उद्बोधन में भी। तो खूब कहने पर उसने कहा कि ठीक है, एक बार बेलूमठ में जाऊँगा, राजा महाराज को दर्शन करके, ठाकुर को दर्शन करके वहाँ से चलाऊँगा। राजा महाराज को देखने गए, राजा महाराज का वो समाधिस्थ अवस्था, समाधिस्थ अवस्था में वो एक दैवी ज्योति उनके शरीर से जो विच्छुरित हो रही है, अटक गए। 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2.5 घंटे के बाद वो समाधिस्थ हुए। बस समाधिस्थ होने के बाद द वेरी फर्स्ट सेंटेंस बीइंग स्पेल्ड आउट बाई राजा महाराज, क्या दीक्षा लेगा, कल चले आना बाबूराम के पास। मंत्र मुग्ध हो गए, गए ने उसके माँ नीचे इंतजार करते करते चले ही गई। उनके माँ गई उनको लेकर कि चल ठीक है तेरी बात सही, मठ में प्रणाम करके, राजा महाराज को प्रणाम करके। अब उनके माँ नहीं गई, क्यों, राजा महाराज के लिए वो कुछ लाई नहीं थी। वो राजा महाराज कोई भक्त अगर कुछ ठाकुर के लिए ना लाए, खाली हाथ आने से पसंद नहीं करते थे, कहते थे देखो ठाकुर के लिए, ठाकुर सेवा के लिए कुछ, तो कुछ लाई नहीं थी। तो ये कह रहे वो तो महाराज थोड़ी वो देख रहे हैं तुम मंदिर में क्या दिए नहीं दिए, तुम चलो ना। कह रहे नहीं नहीं, वो अंतर्यामी, उनको ठीक पता चल जाता है, एक आध बार पहले ऐसा हो चुका है, उन्होंने मुझको दो बार डांट लगाई कि अब ठाकुर के पास या तुम तमाशा देखने चले आ, तो ठाकुर के लिए खाली हाथ, कुछ ठाकुर के लिए लाते नहीं हो, तो मैं नहीं जाऊंगी। वो नीचे खड़े हैं 2.5 घंटे तक, तो खड़े रहते रहते नाव से चले ही गए कलकत्ता। काशीश्वरानंद महाराज घर नहीं गए, बलाई महाराज, बलाई चांद भट्टाचार्य उनका नाम था पूर्वाश्रम का, अगले दिन दीक्षा हो गई। तो वो भक्तों को खूब कहा करते थे, साधु ब्रह्मचार्य हम लोगों को भी कहते थे, खासकर भक्त लोग अगर बस एक ही बात, भक्तों को एक ही बात कहेंगे, दूसरा कोई बात नहीं कहते थे। क्या निज के यही प्राथमिक ये साधना होने चाहिए, घोषा माजा पेशा, अपने आप को घिसो और घिसो, माजो अपने आप को, माजो और पीसो, ये तीन अलग अलग क्रियापद हैं, वर्ब हैं। हम लोग घिसते भी हैं, माजते भी हैं, पीसते भी हैं। चंदन घिसते हैं, चंदन पीसते नहीं है, मसाला पीसते हैं। आजकल तो वो आ गया है हमारे ग्राइंडर मिक्सर ने, तो पहले के ज़माने में सिलबट्टे में मसाला को पीसना पड़ता था, और बर्तन मांजने पड़ते हैं। कहते कि ठाकुर की कृपा अगर प्राप्त करनी हो भक्तों को, कभी कभी एक भक्त लोग बोलते थे महाराज ये तो आप 10 बार सुना चुके हैं और कुछ बोलिए, पहले तुम ये करो इससे अधिक सुनने के काबिलियत हासिल करो, उसके बाद बाकी बताएंगे, नहीं तो पात्रता कहाँ तुम लोगों में रख पाओगे कहाँ, सुनने के लिए सिर्फ सुनना, अधिकारित्व अर्जन करो। ठाकुर माँ, राजा महाराज, स्वामी जी इत्यादि, उनकी बातें सुनने के लिए भी जितना पवित्र मन हम लोग का होना चाहिए ना, जितना शांत स्थिर हम लोग का मन चित्त होना चाहिए, क्यों नहीं हो पा रहा है, तो घिसना पड़ेगा। चंदन को घिसे बगैर नहीं होगा, सॉलिड फॉर्म में चंदन को हम लोग नहीं दे सकते हैं, पानी में डुबो दिया पिघल जाएगा ऐसी भी बात नहीं, उस पानी को भी नहीं छिड़का सकते हैं, चंदन को पेस्ट बनाकर, अर्थात हम लोगों के अहर अहर जो अहंकार
एक एक बुद्ध बुद्ध निकलता जा रहा है। अहंकार, किसी ने कुछ बोला नहीं कि अहंकार, ये जो हम जितने रिएक्टिव हो जाते हैं ना। कैलाश रन महाराज कहा करते थे भक्तों के उद्देश्य से, कब तुम लोग जानोगे कि तुम लोगों में अधिकारित्व आ गई, जब प्रतिक्रिया करना बंद कर दोगे। क्रियाशीलता आएगी, प्रतिक्रियाशीलता नहीं, रिएक्ट। सुबह से नींद से उठकर रात में सोने के समय तक हम लोग रिएक्ट होते जाते हैं, किसी ने कुछ बोला नहीं कि पड़क से रिएक्ट कर गए। गर्म तवा है, एक बूंद पानी गिरी नहीं कि छक करके पानी उठ गया। हम लोग का मन इतना अहंकार से स्फीत हुआ है, अहंकार से इतना स्फीत, इतना ठाकुर कहते हैं कि ऊंचे जमीन में पानी टिकता नहीं है, बह जाती है। तो ये घिसते घिसते अहंकार को घिसना पड़ेगा, अहंकार को घिसना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, घिसते घिसते। एक बार एक ने कहा कि महाराज, आज किशोरी महाराज ने खूब डांट लगाई, खूब डांट दिया। अच्छा क्या भलाई महाराज, बोला किशोरी महाराज माँ के शिष्य थे। बोला अच्छा क्या, चलो तुमने कुछ बोला तो नहीं? नहीं, मैंने भी दो बात सुना। ना तुमने दो बात सुना दी, लो ये तो अहंकार और बढ़ा दिया तुमने। कहाँ, कृपा करके तुमसे कुछ अहंकार को कम करने वाले थे, तुमने दो बात सुना दी उनको। अभी जाओ, अभी जाके माफ़ी मांगो, जाओ अभी जाओ माफ़ी मांगो। तो वो भक्त गए, भक्त जाके माफ़ी मांग रहे हैं। फिर भी वो बलाई महाराज को बोलने का, महाराज मैं ही तो लाया था वो पेड़, मैं ही लाया, मैं ही लगाया। गांव का ही वो आदमी था, जरा मटे गांव का ही, कि मैं ही पेड़ खरीद के लाया नर्सरी से, मैंने ही पेड़ को लगाया। गार्डेनिया बोलते रजनीगंधा, तो मैं ही उस पेड़ को लाया, मैं ही उसको लगाया। तो माँ एक फूल तोड़ को देख रहे तो उसमें डांट क्यों रहे? ये इसीलिए डांट रहे, ये मैं लाया, मैंने लगाया, पानी मैंने दिया, तो मैंने एक फूल को उठाया, तो अभी भी वो तो फूल वो ठाकुर नहीं ले सकते। कहते हैं ठाकुर इज वेरी चूजी, सबके पास से रुपए भी जैसे नहीं ले सकते, सबके हाथ का क्यों, ये तुम्हारा मैपन है, जल्दी जाओ माफ़ी मांगो उनसे। और जब तक तुम ये नहीं सोचोगे कि पेड़ तुम्हारा नहीं, तुमने ठाकुर को अर्पित कर दी, वो तो ठाकुर का हो गया। तुम्हारा फर्ज है कि बगीचे में तुम्हारे पेड़ पौधे में पानी दे रहे तो उसमें तुम वो भी कर रहे हो, तुम जाके माफ़ी मांगे। तो ये काशीश्वरानंद महाराज इनवेरिएबली, कोई बंगाल से आए, यूपी का और कहीं से आए, भारत के किसी से भी आए, कहीं से भी, बस यही उनका प्राइमरी उपदेश हुआ करता था। घोसा माजा पेशा, घिसो माजो पीसो। तो घिसना समझ लिया हम लोगों ने, चंदन को घिसते हैं। तो जब तक अहंकार को हम लोग घिसेंगे नहीं ना, बाय नो मीन्स वुड बी ऑफ एनी हेल्प टू गॉड, ऑफ एनी सर्विस टू गॉड, वी वोंट बी एबल टू ऑफर अवर सेल्व्स। क्या अहंकार को लेकर हम लोग नहीं कर पाते हैं। और कहते थे भगवान दर्पहारी, भगवान किसी न किसी रूप से अहंकार का नाश करवा के ही रहेंगे, जल्दी होए देर से होए। तो डांट खाने की ये स्पोर्टिंगली एक्सेप्ट, ओपन माइंडेड होकर, आश्रम में कभी किसी ने डांट दिया अर्थात तो आपके कुछ प्रारब्ध खंडन हो गए। माजना माजो, ठाकुर कहते हैं कि लोटा अगर रोज ना माजो तो उसमें दाग पड़ जाता है, रोज माजना पड़ता है। पूजा के बर्तन एक भी, वो ताम्र पात्र होता है, कुशा कुशी ताम्र पात्र, अगर माजने के बाद अगर सूखे कपड़े से अच्छी तरह से पोछा ना जाए ना तो ऑक्साइड हो जाता है, पानी जम कर उससे दाग पड़ जाता है। तो पूजा के पात्र में भी, पूजा के उपकरणों में भी कुछ भी दाग अगर चले तो वो भी सेवा अपराध हो जाता है। तो वॉलंटियर लोगों का एक अन्यतम काम होता है, जाओ जाओ बलाई महाराज, काशीश्वरानंद महाराज, कामर पुकुर कुछ दिन, तीन चार महीने जयराम मट्टे कामर पुकुर। तो दो चार स्थानीय बहुत श्रद्धाशील, दूसरे लोग बोलते थे उनको ये काम क्यों दे रहे हैं, उसको ये काम दे देना, ये काम नहीं देने, ये काम
जो लोग सबसे ज़्यादा सिंसियर होते थे, ये बर्तन मांजने के बाद अच्छे तरह से सूखे कपड़े से पोंछ पाछ के रखो, नहीं ठाकुर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, ठाकुर देख नहीं पाते थे। अगर उसमें बर्तन में दाग रह जाए तो वे कहते थे वो कहीं ना कहीं हमारे मन में रिफ्लेक्शन हो रहा है, उस सांसारिकता के दाग को लेकर हम ठाकुर के पास पहुंच रहे हैं। तो माजना अर्थात उसमें जैसे अहंकार का घिसना था, इसमें माजना पड़ रहा है, अपनी बुद्धि को शानित करनी पड़ रही है। बुद्धि ठाकुर पसंद नहीं करते थे, किसी ने बात कही ठाकुर बीच बीच में पूछते थे, यूज टू रिपीट इट, गेट इट रिपीटेड। क्या बोला, बोलो तो अभी, क्या क्या हाँ क्या, एकदम ये पसंद नहीं करते थे कि एब्सर्ड माइंडेड हो जाए। तो बुद्धि को रूपी चाकू को या फिर उसको जिसे काटते हैं ना, उसको मस्ते मस्ते शान उसमें एकदम वो करना पड़ेगा बुद्धि, ताकि एकदम कोई विषमता ना रहे, कंसंट्रेशन आ जाए। रासमणि एक बार जाती है दक्षिणेश्वर, जाके कहते बाबा बहुत दिन हो गए गाना नहीं सुना, आज बहुत चंचल है, मन चंचल है, गाना सुनो। ठाकुर कह रहे चलो, खुश हो गए ठाकुर, माँ के मंदिर के सामने नाट्य मंदिर में बैठे ठाकुर गाना सुना रहे। आधा भी गाना नहीं हुआ होगा रासमणि के गाल में एक थप्पड़ कस के, क्यों कह रहे मैं इधर ठाकुर का इधर तुम सांसारिक चिंता भावना कर रही हो। उसके नेक्स्ट डे कोर्ट में हियरिंग थी उनकी जमींदारी में, वो केस शायद हार जाएंगे, मन गाना सुनते सुनते मन चला गया उधर एक थप्पड़। बलाई में काशीश्वरानंद महाराज भक्तों को कहते थे सोच लो, अगर तुम लोग रहे होते तो रोज न जाने दिन में हजारों कितने बार ठाकुर से थप्पड़ खाना पड़ता, रासमणि को तो एक दिन एक थप्पड़ खाना पड़ा। और अगर तुम लोग हम लोग हुए होते तो ठाकुर से लगातार थप्पड़ के बाद थप्पड़, थप्पड़ के बाद थप्पड़ ही खाना पड़ता, क्यों बुद्धि शानित नहीं है, बुद्धि बिखरा हुआ है। पेशा घोसा घिसना गया या पीसना, मसाला एज सच हम लोग नहीं कर पाएंगे, उसको पीसना पड़ेगा, पीसे बगैर उसमें से जो एरोमा है एसेंस वो नहीं निकलेगी, छिलका छिलका उस बात जाएगा उसके अंदर से, निर्जास नहीं निकलेगी। तो पीसने का मतलब है जब ध्यान, अभी माँ की बातों पर हम कहेंगे जब ध्यान को एकदम भगवत प्राप्ति किस तरह से, माँ इस तरह से कह रही है, चिट्ठी में लिखवा रही है इस तरह से, मानो कि ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा का स्टेप बाय स्टेप फैक्टराइजेशन का वह सब हम कर रहे हैं। ये तो गया भलाई महाराज को और से बातों में से एक बात, इधर 15 मिनट भी मेरे चले गए, बच्चे 45 मिनट। भूतेशानंद महाराज साधुओं को भी कहा करते थे, भक्तों को भी कहा करते थे, ये भूतेशानंद महाराज ने सुना था विशुद्धानंद महाराज से। कुछ दिन विशुद्धानंद महाराज के सेक्रेटरी सुंदरानंद महाराज की तबीयत खराब हुई थी, तो भूतेशानंद महाराज उनके सेक्रेटरी का काम कर रहे थे कुछ दिन के लिए, तो वो भक्तों का कहा करते थे देखो तुम लोग क्या ठाकुर के पास आ रहे हो, तुम लोगों के ठाकुर के पास आने से पहले ठाकुर तुम्हारे पास पहुंच गए। कैसे पहुंचे आपके पास, आप लोग के हृदय में जाकर ठाकुर बस गए, तब आप लोगों के मन में शुभेच्छा जगी कि चलो ठाकुर के पास चलते हैं, आते जाते हैं, चलो दीक्षा ले लेते हैं, ठाकुर की और बातें सुनते हैं। तो इसलिए काम तो ठाकुर ने कर दिया, तुम लोगों के अंदर ठाकुर जाके बसे। भूतेशानंद महाराज भी इस तरह इतने फैटिकली कहा करते थे, साधुओं को भी कहा करते थे, ब्रह्मचारियों को, अरे तुम लोग क्या यहाँ पर आए, हम लोग की वो क्षमता कहाँ के घर संसार को त्याग कर सके, ठाकुर जाके हम लोग के चित्ताकाश में बैठे, हृदय में बैठे, तभी तो यहाँ पर तुम लोग आए। भक्तों को भी कहा करते थे, तभी बात बाकी आपके ऊपर है, हम लोग के ऊपर है कि कितना हम उसको भुना पाए। ठाकुर ने तो अपना काम कर दिया,
इसके बाद कितना उसको हम लोग ठाकुर के पास आके आके एक भूतेश आनंद महाराज को एक माता जी कह रहे कि बाबा बंगला में गुरु जी को बाबा खासकर माँ लोग कहा करती है बाबा इतना दुख ठाकुर ने मुझे को क्या दिया संसार में जितना दुख सब मेरे ही ऊपर है। भूतेश आनंद महाराज तुरंत बोलने लगे खबरदार ठाकुर के प्रति ऐसे नमक हरामी मत करो, ठाकुर ने इतना कृपा की तुम पर इतना है, तुम अपने असंपूर्णता को अपने अक्षमता को अपने सीमाबद्धता को अपने साहस के अभाव को ठाकुर के नाम से तुम ढकने का प्रयास कर रही हो, ठाकुर से बढ़कर करुणा निदान कौन हो सकते हैं, फेस करो नीचे उतरो। रामय महाराज गौरी शरणंद महाराज भी कहा करते थे पोथे नाबो हे पोथे नाबो पोथे नाबले कौन जे तुम्हें लक्ष्य पहुंच जाए तुम्हें बुझते ही पारे ना, अरे रास्ते में उतरो तो यात्रा शुरू तो करो, यात्रा शुरू करो अनजाने में कब तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो कैवल्यानंद महाराज सचिन महाराज का संग करने का बहुत सौभाग्य मिला मुझे, बहुत सेवा भी करने का उन्होंने करवा लिया। तो माँ के साथ वो सारे 6 साल रहे लास्ट के बाकी का, तो जितने भी भक्तों का चिट्ठी आया करती थी वो सब कैवल्यानंद महाराज के माध्यम से चिट्ठी को उत्तर लिखवाया करते थे। तो माँ जो उत्तर में लिखवाती थी अच्छे चंग्स को कैवल्यानंद महाराज अपने डायरी में लिख लिया करते थे। उनका वो डायरी अब तो खैर म्यूजियम में चली गई, नहीं तो उनके शरीर शांत होने के बाद जो 3 डायरियाँ मेरे पास ही थी उसमें से मैंने भी बहुत कुछ लिख के रखा था। अगर पहले पता होता तो मैं वो सब डायरी ही लेके चला आया होता यहाँ पर। चलिए उसमें से 2-4 उन्होंने चिट्ठी भी माँ का उपदेश। इन लोगों का क्या है अवतार लोगों का किसी एक आदमी के उद्देश्य से नहीं, जैसे गीता में अर्जुन के केवल मात्र अर्जुन के ही उद्देश्य से बात कही नहीं गई है, एक के माध्यम से यूनिवर्सल मैसेज। तो माँ भी आपात दृष्टि में अपरेंटली एक को ही चिट्ठी लिखवा रहे हैं उसी के समस्या, मगर ये सब कॉमन समस्या है, उस समय भी समस्या थी आज भी है भविष्य में भी रहेंगी। देख चिट्ठी लिखवा रहे हैं, ठीक है मैं समझ गई। माँ कह रहे किसी एक माँ के दीक्षित लड़के ने माँ को उत्तर चिट्ठी लिखी, उसमें अपने अतीत जीवन का इतना गर्हित काम इतना निकृष्ट काम उसने किया जो करना नहीं चाहिए, तो वो माँ के पास कॉन्फेस कर रहा है लिख रहा है। अब कैवल्यानंद महाराज पढ़ते पढ़ते रुक गए, महाराज मम्मा इसके बाद तो पढ़ा नहीं जा रहा है, कहने क्या हो गया? मैं अब क्या बोलूँ माँ, आप समझ लो माँ मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, अब आपने उसको कैसे मंत्र दे दिया वो तो। तब माँ कह रहा है समझ गई बस और मत पढ़ो, ठीक है लिखो और लिख देना कि ठीक है मैं समझ गई और पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, उसे लिख दो ऐसे पत्र यहाँ पर न लिखा करे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर बहुत भक्त लोग रहते हैं, मोटा मोटी रूप से उसको यह समझा दो या समझ ले कि अब तक या पहले वो राहु ग्रसित चंद्रमा था, मानो कि ठाकुर के मंत्र को जब से उसको मिला अर्थात जब से वो ठाकुर के आश्रय में आ गया तब से वह पूर्णिमा का 16 कलाओं से पूर्ण भक्त हो चुका है, अब तुमको चिंता क्या, ठाकुर ये सब कुछ ठीक कर देंगे, बस सुबह शाम कम से कम बहुत श्रद्धा के साथ उनको स्मरण तो कर सकोगे, बाद बाकी जिम्मेदारी ठाकुर की। सोचिए यह हमारी माँ, ये सब तो छप गया है, ये सब जीवनी में आपको मिल जाएगा। कह ठीक है उसको ये सब लिखने के लिए मना करो, अर्थात याद करने के लिए मना करो, अब तक मानो कि वो राहु ग्रसित चंद्रमा था,
ग्रहण में जो हो जाते ना राहु चंद्रमा को, राहु ग्रसित चंद्रमा, जिस दिन से वो ठाकुर के पास आया, या भूतेश आनंद महाराज की बात माने तो ठाकुर जब उसके अंदर प्रवेश कर गए, दीक्षा लेने के लिए आया, उसको दीक्षा मिल गई, अब वो राहु ग्रसित नहीं रहा। अतीत काल में जो कुछ भी उसने कर्म की थी सब नलिफाइड। अब क्या हो गया, पूर्णिमा का चंद्रमा 16 कलाओं के साथ अब पूर्ण हो चुका। चिंता क्या, ठाकुर सब ठीक कर देंगे, बस इतना करना पड़ेगा। ये मानो कि हमारे आपका सबके उद्देश्य से माँ का ये आशीर्वचन है, सुबह शाम श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ एक बार तो ठाकुर का नाम ले सकते हैं बस। दूसरे चिट्ठी में लिखवा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि अच्छा स्वरूप चैतन्य का है, उसको लिखवा दो। कैवल्यानंद महाराज सचिन महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी स्वरूप चैतन्य, बेटा जैसे कि फूल को हिलाने डुलाने से सुगंध निकलती है, चंदन को घिसते घिसते सुबास आता है, उसी भांति भगवत तत्व आलोचना करते करते तत्व ज्ञान का उदय होता है। शिलोंग के समस्त भक्तों से मुझे बस इतना ही कहना है कि रोज नियमित रूप से ठाकुर का स्मरण करें और ठाकुर से संपूर्ण रूप से निर्वासना होने के लिए कातरता के साथ प्रार्थना करें। शिलोंग में आश्रम बनेगा। शारदानंद महाराज ने माँ के शिष्य, तब तक ब्रह्मचर्य हो चुका था स्वरूप चैतन्य महाराज, उनको भेजा। अब वहाँ पर जाके सब लोग घेरने, माँ के शिष्य भी बहुत लोग थे वहाँ पर, और बोलो बोलो माँ को चिट्ठी लिखो, माँ को बोलो हम लोग के उद्देश्य से कुछ आशीर्वाद देने के लिए। दूसरे भक्त जिन लोगों ने माँ को अभी तक नहीं देखा है तो उनके लिए कह रहे कि बेटा जैसे फूल हिलाने डुलाने से सुगंध निकलता है, चंदन घिसते घिसते सुबास आती है, उसी भांति भगवत आलोचना करते करते तत्व ज्ञान का उदय होता है। तो वचनामृत तो छप ही चुका है, उन सबको बोलो नियमित रूप से। वे लोग शिलोंग के भक्तों को बस इतना ही कहना है कि नियमित रूप से ठाकुर का मनन स्मरण करें, एक साथ बैठ के अध्ययन करें। हम लोग के लिए भी एकदम लागू है। घर में दो चार लोगों के साथ मेंबर्स जितने हैं, पड़ोस में संडे को अगर यहाँ पर आ सकते हैं वेरी गुड, दूर में जो लोग रहते हैं तो दो तीन लोग घर उन लोगों के साथ रहकर भी अगर करें, होगा अवश्य होगा। और अंत में निर्वासना। कालिकानंद महाराज प्रथम वृंदावन के महंत बने, वो भी माँ के शिष्य थे। वहाँ पर एक बंगाली डॉक्टर गया, पहला डॉक्टर, तो उसने माँ के बारे में खूब सुना, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी। वो उन्होंने कहा ले आओ, दीक्षा भी हो गई। दीक्षा देने के बाद वो पूछता है, जरमवटी में पूछते हैं वो डॉक्टर साहब कि माँ क्या बताऊँ आपको, माँ बोलूँ या गुरु बोलूँ क्या बोलूँ। कहते नहीं नहीं माँ बोला, माँ ही रहने दो ना माँ। कहते हैं कि बेटा ये माँ अब तक सिर्फ शब्द मात्र था, ठाकुर के आने के बाद यह एक शब्द नहीं एक माँ मंत्र बन गया। माँ 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 पुकारते पुकारते पत्थर की मूर्ति को चिन्मयी बना दिया ठाकुर ने। किसी मंत्र की जरूरत नहीं, बस आंतरिकता के साथ माँ इस युग का महामंत्र बन चुका है, इसलिए माँ बोलो इसमें कोई हर्जा नहीं। हाँ बोलो बेटा, क्या 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 पूछना चाह रहे हो। कि माँ मैं तो डॉक्टर हूँ और सुबह से शाम तक मरीजों का इतना देखना पड़ता, सोने के लिए भी 2-2.5 घंटे से ज़्यादा समय नहीं मिलता, खाने का समय नहीं। तो जो मंत्र तुमने दिया, चलते फिरते ऑपरेशन करते करते मरीजों को देखते देखते कर लिया करूँगा, उसी में होगा ना।
समय नहीं है माँ, माँ हंसती है कहते होगा क्यों नहीं, उसी में होगा। लेकिन एक बात क्या जानते हो बेटे, होगा क्यों नहीं, उसी में होगा। एक शर्त लगा देती है माँ, क्या कहते हैं, लेकिन एक बात क्या है जानते हो बेटे, जब ध्यान का ठीक ठीक फल पाने के लिए निर्दिष्ट समय में निर्दिष्ट आसन में बैठकर निर्दिष्ट संख्यक जाप करने से ही सार्थकता होती है। आज सुबह 5 बजे बैठ गए, कल 8 बजे बैठे, परसों सुबह बैठे ही नहीं, आज 108 बार जाप कर लिया, कल 200 बार कर लिया, तो उसमें निष्ठा नहीं बनेगी, निष्ठा नहीं आएगी। जब ध्यान का ठीक ठीक फल, जब ध्यान में जो रस है, जब ध्यान का जो आनंद है, उससे कहीं ना कहीं हम वंचित रह ही जाएंगे। तो आस्ते 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 क्या कहते दत्त कुछ नहीं है, जब ध्यान छोड़ देंगे, ड्रॉप आउट्स। तो ज्यादातर भक्त लोग दीक्षा लेने के बावजूद 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल 40 साल हो गए, अभी भी जब ध्यान में अगर वो आनंद और रस नहीं मिल रहा ना, तो मान के चलना पड़ेगा कि माँ का ये फॉर्मूला ठीक से फुलफिलमेंट नहीं हुई। निर्दिष्ट समय में निर्दिष्ट आसन में निर्दिष्ट संख्यक जाप करना पड़ता है। एक बार भूतेशानंद महाराज के पास काकुरगाछी में दीक्षा लेने पति पत्नी, जरा एज ज़्यादा हो गई थी, रिटायरमेंट के बाद ही आए दीक्षा लेने के लिए, तो भूतेशानंद महाराज ने भी कहा कि अपना अपना आसन अलग रखना, आसन अलग अलग। दीक्षा समाप्त हो गई, जो पत्नी थी, पत्नी कहने लगे बाबा हाँ क्या क्या, एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन भूतेशानंद महाराज दीक्षा के बाद बैठते थे, सबको दीक्षा समझाना हो गया, इंडिविजुअली मंत्र सुनना हो गया, उच्चारण ठीक से नहीं हो रहा उच्चारण ठीक से करवाए, उसके बाद भी कोई क्वेश्चन आंसर, छोटा सा सेशन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते थे। तो ये महिला भक्त पूछती है कि बाबा एक आसन से हम दोनों का नहीं हो जाएगा, तो पति पत्नी है, एक आसन से जब वो उनका हो जाएगा तब मैं बैठ जाऊँगी, या जब मैं बैठूँगी बाद में बैठ जाएंगे, हो करके हंस दिए वो। अच्छा कुछ दिन बाद जब तुम्हारा भी दांत नहीं रहेगा, इनका भी दांत नहीं रहेगा, तो एक ही डेंचर से पहले वो खा लेंगे, उसी डेंचर से क्या तुम खा लोगी। जितने लोग बैठे थे ठाकर हंसने लगे, कहे इतना तुम खर्च कर सकती हो, इतना कुछ किया एक आसन में कितना। अच्छा सुप्रभात, इनको यहाँ से एक आसन दे देना। तो नहीं महाराज नहीं महाराज नहीं 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 महाराज नहीं महाराज नहीं 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 चाहिए, नहीं नहीं नहीं, जब तुमने बोला यहाँ से एक आसन ले जाना तब भी वो शर्मा रही है। तब दूसरे भक्त लोग अरे पगली कहीं के इतना भाग्यवान हो कि गुरुदेव खुद अपने हाथ से तुमको आसन दे रहे हैं, उसको ना क्यों बोल रही हो, कह रहे उनको आसन वासन मिला। तो जो भी हो इस बात को सपोर्टेड बाई भूतेशानंद जी कि अलग आसन चाहिए। यहाँ पर जब मंदिर में आ रहे हैं, मंदिर में बैठने के लिए कोई आसन लाने की जरूरत नहीं है, मंदिर में कारपेट जो है, दरी जो है, शतरंजी वही ठीक है, मगर अपने घर में बैठकर जब ध्यान करने के लिए निर्दिष्ट। प्रश्न पूछा गया एक, ये चिट्ठी में नहीं है, यूं ही उद्बोधन में बहुत भक्तों का आगमन। एक भक्त पूछते हैं, कैवल्यानंद महाराज अपने डायरी में लिखते हैं, माँ फोटो में क्या वास्तव में ठाकुर रहते हैं या हमारे द्वारा आरोपित मात्र है, तस्वीर में फोटो में आरोप मात्र है। विद्युत झलक की भांति माँ का उत्तर आया स्पॉन्टेनियसली, समय लिया नहीं सोचने के लिए, क्या मतलब क्या बोलना चाहते हो, छाया काया समान ही होता है, फोटो तो उनका छाया मात्र है, बाद बाकी तुम्हारी दृष्टि तुम्हारा सोच। माँ गंभीर हो गई, माँ कभी भी दीक्षा देने के लिए बहुत कम लोगों को इनकार किया है। दिस जेंटलमैन वॉज वन ऑफ दोज रेयर अनफॉर्चुनेट वन। माँ ने कहा नहीं अभी समय नहीं आया तुम्हारा दीक्षा का। जिसको बेसिक अभी वो भक्ति या श्रद्धा का उद्दीपना ही नहीं हुई है? तो क्या होगा।
फिर एक जने को कह रहे, अरे ठाकुर ने तुम मुझसे कूड़ा करकट, बंगला में अस्ताकूर, अस्ताकूर जहाँ पर सब लोग जाके गार्बेज फेंकते रहते हैं ना, तो कूड़ा करकट, ठाकुर ने तो मुझसे कूड़ा करकट में भी कमल खिलवा लिए, तो तुम सब तो इतने अच्छे आधार हो, तुम लोगों का क्या चिंता बेटी। सुधरा देवी ले आई थी किसी को, दीक्षा भी हो गया, कहने की माँ मुझसे क्या होगा, हम लोग तो संसारी कीट हैं। कहकर नहीं बेटी, कभी अपने आप को इतना तुच्छ तच्छल्य मत समझो, अपने आप को इतना तुच्छ समझना अर्थात ठाकुर को बदनाम करना। कहते ठाकुर ने तो मुझसे कूड़ा करकट में भी कमल खिलवा लिया, अर्थात आधार जिनका बिल्कुल नहीं रहा। उन लोगों को भी दीक्षा देकर उनमें भी आध्यात्मिक उनमें सो चुका है, तो तुम लोग का तो इतना अच्छा आधार है, तुम लोगों का होगा क्यों नहीं। पूरी में माँ जब गई थी ठाकुर के माँ समाधि के बाद पूरी में, तो ये भी उनके जीवनी में है, एक चरित्र स्खलिता युवती माँ के पास आकर रो रही है। पांच छह दिन से रोज आती है, कुछ कहती नहीं है। पारिवारिक कारणवश उसको वो मार्ग चुन लेना पड़ा, मगर अंदर ही अंदर ग्लानी है, इतनी गरीबी, उड़ीसा की लड़की, तो पता नहीं क्या देखा माँ को, क्या देखा, क्या समझी, क्या देखी। जगन्नाथ मंदिर में भी वो घुसती भी नहीं थी, नहीं मैं पापी नहीं हूँ, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, दूर से बस गरुड़ स्तंभ के पास खड़ी रह के प्रणाम करती। माँ को दो तीन बार देखा, क्या पाया माँ पे, पता लगा माँ कहाँ रहती है, लक्ष्मी दीदी से पूछती है कहाँ जाके, बस दो तीन दिन तक रोती है, माँ को स्पर्श करके प्रणाम भी नहीं करती है। तो एक दिन माँ पूछती है कि बेटी इतना दूर से क्यों आओ, नज़दीक आओ, आओ। रो सिसक रोते कहते कि नहीं माँ, मैं बहुत अपवित्र हूँ, तुम मेरा स्पर्श सहन नहीं कर पाओगी, यहीं से दूर से है। माँ को समझने में कुछ बाकी नहीं रही, मैं कहते अरे बेटी मेरे पास नहीं आओगी तो किसके पास जाओगी तुम, हम लोग क्या सिर्फ अच्छे लोगों के लिए ही है, मैं क्या सिर्फ अच्छे संतान की ही माँ हूँ, मंद संतान की नहीं। आओ बेटी आओ, मंत्र मुग्ध होकर वो आगे आती है, माँ को प्रणाम करती है, रोती है, माँ भी सिर पर हाथ दे के बहुत आशीर्वाद करती है। बस डिटेल्स में इसका कैवल्यानंद महाराज ने लिखा है, गंभीरानंद महाराज ने इतना डिटेल्स नहीं दिया, कहते कि पुरी में भी इक्के दुक्के एक हाथ को उन्होंने दीक्षा दी, इक्के दुक्के में ये भी है, कोई डर नहीं, एक बार तुम आ गई हो, ठाकुर का नाम हो गया। अरे ठाकुर तो इन लोगों के लिए ही आगमन ठाकुर का। कलकत्ते में एक बार एक संभ्रांत घर की लड़की आई, हाईली क्वालिफाइड तथाकथित रूप से बहुत एक जमींदार घर की, कहते माँ कुछ बताइए ना, माँ बोल कर भी संबोधन नहीं किया, बहुत लोग बैठे थे, कुछ बताइए ना आप, हम तो परमहंस देव की पत्नी हो तो उनके बारे में कुछ बताओ। प्रश्न में भी एक अहंकार का झलक। माँ कहती है कि बेटी निज व्यक्तित्व को भूलकर स्वरूपत्व को समझने का प्रयास करो। अपरेंटली हम लोग सोचते हैं कि माँ अनपढ़ थी, साइन नहीं कर पाती थी, क्या लैंग्वेज। कहते कि बेटी निज व्यक्तित्व को भूलकर, क्या व्यक्तित्व, मैं जमींदार की पत्नी हूँ, इतने रईस घराने की बहू हूं, तो ये फॉल्स
प्रेस्टीज को लेकर क्या होगा, न जब व्यक्तित्व को भूलकर स्वरूपत्व को समझने का प्रयास करो, ठाकुर के पास आई हो उनको जानने का, उनको समझने का प्रयास करो। फिलहाल यही तुम्हारे उद्देश्य से मुझको कहना है। मगर आद्याशक्ति परमा प्रकृति सरस्वती रूपिणी माँ शारदा के मुंह से अगर ये बात निकले तो क्या हो सकता, उनका अहंकार चूर चूर हो गया, तुरंत माँ के पाँव में लोटपोट हो गई। तब उनके मुंह से निकलता है, माँ माफ़ करना, माँ माँ माफ़ करो, गलती हो गई। कहने मैंने कुछ कुछ गलती नहीं किया, ये तो स्वभाव है मनुष्य का, कुछ गलती नहीं किया। लगभग 2 महीना तक माँ ने घुमाया फिराया, ठीक है बाद में होगा बाद में होगा बाद में होगा, करते करते 2-2.5 महीने बाद दीक्षा देती है। फिर एक को कहते हैं, कई विलयानंद महाराज लिखते हैं, जानते हो भगवान के शरणागत होने से विधि का विधान भी खंडित हो जाता है, उनको अपना कलम अपने हाथ से काटना पड़ता है। मृणालिनी देवी को कह रही है माँ, कहती है, कौन मृणालिनी देवी, जो बाद में जाना चाह रही थी, तब तक श्री अरविंदो जा चुके थे पांडुचेरी, जेल से एकदम सीधे माँ के पास चले आती है श्री अरविंदो और उनकी पत्नी गौरी माँ थी। अरविंदो के मुँह से बस यहीं तक थी, पूरा बियर्ड यहाँ से घना, दाढ़ी नहीं था, यहाँ से था एकदम, तो उनका तब थोड़ा थोड़ा दाढ़ी निकली थी। उनका ठुड्डी में हाथ देकर गौरी माँ कहने लगी, माँ कहने लगी, ओ बाबा यार तो एक फोटा चमड़ छेले के देखे इंग्रेज कैपे गलो, अरे मेरा इतना दुबले पतले थे छरे दुबले पतले छोटे हाइट के, कि मेरे इतना छोटे से संतान नहीं पूरे अंग्रेजों का सल्तनत को हिला दिया। तब गौरी माँ टूट करके कहने लगे, जो तो उच्च तब हृदय तो दुख जाने बे निश्चय, स्वामी जी का एक पोएम है, जितना उच्च तुम्हारा हृदय होगा उतना दुख तुमको मिलेगा ही मिलेगा। तो माँ ने खाना वाना खिलाया, उसके बाद कहने के बाद, अब यहाँ पर मत रहो, अब तो तुम बेकसूर छूट गए, मगर अंग्रेज लोग छोड़ेंगे नहीं, यहाँ से फरस डांगाते चले जाओ। फरस डांग अर्थात फिरेंगे लोगों का, पूरे भारतवर्ष अंग्रेजों के अधीन में होने के बावजूद 3 जगह था उस समय जो फ्रांस गवर्नमेंट के अंडर था, बंगाल में एक जगह, गोवा और पांडिचेरी। चंदन नगर बंगाल में, एकदम चंदन नगर चले गए, चंदन नगर में अंग्रेज पुलिस पकड़ नहीं पाएगी, उसको फरास डांगा बोलते थे, फरासी लोगों का डांगा, फरास डांगा चले जाओ। वहाँ से सब गए, फाइनली 5 महीने बाद चिट्ठी आई कि वो जाकर पांडिचेरी में बस गए, एक जगह मिल गया। अब इनकी पत्नी कहने लगी, मैं भी आऊँगी। श्री अरविंद मना करते हैं, कहते नहीं, तुम्हारा मार्ग अलग है, मेरा मार्ग अलग, अब मैं अपने आप को पूरा साधना में नियोजित कर चुका हूँ, तुम बताओ। मृणालिनी देवी कहने लगी, ये कैसे हो गया, शादी के समय क्या तुमने प्रतिज्ञा जो किया था भूल गए, कि तुम्हारा सुख दुख मेरा, मेरा सुख दुख तुम्हारा, दोनों का, हम दोनों एक साथ रहेंगे, ये कैसे तुम कह सकती हो, नहीं माने। फाइनली श्री अरविंदो कहते हैं, लिखते हैं, ठीक है अगर तुम्हारी जिम्मेदारी माँ ले ले, और अगर माँ मुझको स्पष्ट रूप से आश्वस्त कर दे कि तुम्हारे मेरे पास रहने से मेरे आध्यात्मिक यात्रा में कुछ डर नहीं है, तो फिर तुम आ सकती हो, बट लेट दैट एश्योरेंस कम फ्रॉम मदर साइड। विख्यात चिट्ठी है, वो छपी है, पूरे छपे श्री अरविंदो के बायोग्राफी में, अरविंद खुद लिख रहे हैं, अरविंद के बायोग्राफी कोई 650 पन्ने के, उसमें तो 3-3.5 पन्ने तो माँ के साथ डायलॉग्स रिलेशनशिप एक्सपीरियंस लिखते हैं। वो जाके माँ को कही, मैंने कहा ठीक है, मना कर रही है कि क्यों जाओगी बेटे, तुम यही रहो मेरे पास, वो नहीं नहीं माँ मुझको जाना है। तो उनका दीक्षा हुआ, अब तक दीक्षा नहीं ली थी उन्होंने, माँ ने कहा ठीक है वहाँ जाओगी बेटे तो दीक्षा ले लो, और एक काम करो, मैं
बंदोबस्त करवा देती हूँ शरद को बोलकर, कुछ दिन जरामट्टी में रह के आओ। तो जरामट्टी में कहाँ रहोगी? तो वहाँ पर मैं किशोरी को बोल दूँगा। किशोरी महाराज इत्तेफाक से शादीशुदा थे, शादी के कुछ एक साल भी नहीं हुआ, माँ के पास चले। तो उनकी पत्नी और केशवानंद महाराज की पत्नी दोनों ग्वालपाड़ा में जगदम्बा आश्रम में रहते थे, उसमें भी बाद में आएंगे। तो कहने के वहाँ पर जाके जहरामट्टी में वे लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, जहरामट्टी ग्वालपाड़ा में 3-4 महीने 5 महीने रह लेना। क्यों मैं वहाँ पर क्यों जाऊँगी, अगर रहने में तुम्हारे पास रहूँगी? माँ कहती नहीं, वो साक्षात शिव क्षेत्र है जिसका कहीं नहीं होगा, जिसका कभी नहीं हुआ, वह भी वैसे शिवतुल्य शिव क्षेत्र में जाकर रहने से उसका अवश्य होगा। वहाँ पर जाके तुम कुछ दिन साधन भजन करना, इस मंत्र का जाप करना, उसके बाद तुम चले जाना। बोल भी दिया, चिट्ठी चली भी गई, बंदोबस्त भी हो गई। अचानक उनको दिमाग कहती है, जानते हो भगवान के शरणागत होने पर सब कुछ खंडित हो जाता है, विधि का विधान भी खंडित हो जाता है उनका, उनको अपना कलम अपने हाथों से ही काटना पड़ता है। माने नहीं समझ पाई मृणालिनी देवी इसका क्यों कह रही है। जाने के पूरी तैयारी, माने कह दिया छोड़ दो, शारदानंद महाराज को बोल दो छोड़ दो। क्यों सुधीर देवी चौकोटी क्यों मांग? नहीं देखो ना क्या होता है, तबीयत खराब हो गई, कॉलेरा हो गया, 7-8 दिन माँ का नाम याद करते करते मृत्यु हो गई। और न तो उनको ग्वालपाड़ा जाना पड़ा, न जयरामबट्टी, और पांडुचेरी तो जा ही नहीं पाई। माँ कह रही है कि विधि का विधान खुद उनको अपना कलम अपने हाथ से काटना पड़ता है। मंत्र पा गई, मंत्र मिल गया, तो तुम्हारा जितनी परमायु थी खुद तुम्हारी परमायु मानो कि उन्होंने खंडित कर दी। फिर कहते हैं जब तब से पुराने पाप पुराने कर्म पाप सब कट जाते हैं, जब तब का और भी बहुत उपकार होता है, उसके द्वारा इंद्रियों का प्रभाव कम हो जाता है, कट जाता है, श्री भगवान के प्रति प्रेम भक्ति की भावना प्रगाढ़ होती है, ईश्वर प्रेम की भावना जितनी बढ़ती है कामना वासना उतना ही कम होता रहता है, अंत में एक अवस्था ऐसे भी आती है जबकि साधक निर्वासना को प्राप्त कर लेता है, और निर्वासना को प्राप्त करने से फिर भगवत प्राप्ति में देर बची ही कहाँ। देखिए किस तरह से तो जब ध्यान को कितना एम्फेसिस दे रहे हैं सुबह शाम। हम लोग सोचते हैं कि जब ध्यान करने से क्या होता है, कहते जब ध्यान करने से पुराने कर्म पाश कट जाते हैं, और भी जब ध्यान का और भी काम है, बहुत उपकार है। कैसे? इंद्रियों का प्रभाव कम होता है, भगवान के प्रति प्रेम भक्ति की भावना में प्रगाढ़ता आती है, ईश्वर प्रेम की भावना जितनी बढ़ती है कामना वासना उतनी कम होती रहती है, अंत में निर्वासना साधक के जीवन में आ जाता है, और निर्वासना की अवस्था आ गई तो भगवत प्राप्ति में देर कहाँ। एक उनके शिष्य ब्रह्मचारी बेलूमठ से जयरामबट्टी आते हैं, कृमा मैं सिलचर नहीं जाऊंगा। आसाम में सिलचर में प्राथमिक अवस्था में आश्रम बन रहा था। क्यों सिलचर क्यों? नहीं साधनंद महाराज मुझको वहाँ भेज रहे हैं। मैं तो कहाँ जाओगे, मठ रहोगे? नहीं मैं काशी जाऊंगा, बनारस जाऊंगा। मैं ये भी छपा हुआ है माँ के। तो माँ कहते अरे पागल, जिनके दर्शन हेतु काशी जाना वे स्वयं बेलूरमठ में विराज कर रहे हैं, जाकर तल्लीन होकर उनका दर्शन कर। अब तक तो उन्हीं के पास था, उनको छोड़कर फिर उनके पास कहाँ जाएगा। फिर कहते हैं समय आने पर सब कुछ होगा बेटी, एक बार जब माँ बोलकर आई हो मेरे पास, एक बार जब गुरु के रूप में मुझको स्वीकार कर ही लिया, एक बार जब मेरे अंदर अपने इष्ट को तुम ढूंढती हो, तो बाकी बच्चा की और चिंता,
क्यों कर रही हो, देखना सब ठीक हो जाएगा। या तो मां थियोरिटिकली ये बात कह रही है, इस युग में घट गई एक अन्यतम लीला, उत्कृष्टतम लीला मां के जीवन में जो हम पाते हैं वो है तीन कोड़ी बंदोपाध्याय का। जीवन में थोड़ा सा बहुत थोड़े में है, किशोरी महाराज जी से हम लोगों ने विस्तार से सुना है इसको। तीन कोड़ी बंदोपाध्याय तांत्रिक घर का था, जरामटी के उधर हसन डांगा बोल के एक जगह है, तांत्रिकों का वास है वहाँ पर, पूरा के पूरा गांव। उस समय ब्राह्मण लोग ही बसते थे, भट्टाचार्य लोग ही बसते थे। 12 महीने में 13 बार वहाँ पर माँ काली की पूजा होती थी, हर महीने अमावस अमावस, 1 महीने में 2 बार पूजा, तो 12 महीने में 13 बार। बहुत पहले, कई 100 साल पहले, भले वहाँ पर नरबलि होती हो, पर माँ के समय उस समय वहाँ पर बकरे की बलि होती थी हर महीने में एक बार। बड़े बड़े तांत्रिक निकले वहाँ से। उसी घर का एक तांत्रिक 20-21 साल उम्र, तीन कोड़ी बंदोपाध्याय, वो माँ के पास आता था, उसे सुना भी था और एक आदमी माँ को सपने में भी देखा काली के रूप में। साधना तो करता ही था, उसकी इच्छा थी कि माँ से काली का मंत्र ले। माँ टालती रहती थी, ठीक है बेटा बाद में होगा बाद में, अगर इतना जल्दबाजी भी क्या, बाद में होगा। 10-12 बार माँ के पास आया गया, माँ ने अभी शायद समय न हुआ हो, मैं इंतजार कर रही थी व्याकुलता को और बढ़ाने के लिए। राधू दी का प्रसव होगा क्वालपारा में, जगदम्बा आश्रम में 6 महीने से ज्यादा है एडवांस स्टेज में। अचानक जरामटी में आ गया कि नहीं है, खबर मिलता है कि क्वालपारा में है, वहां पर क्वालपारा में जाकर पहुंच गया और बाल बाल ऐसे उखड़े बिखरे। उसी दिन अमावस की रात काली पूजा करेगा, लाल चेली पहने हुए, लाल कपड़े पहनकर, आंखें वाखे लाल, कुछ व्रत में है, माँ के पास आ गया। माँ राधु दी देखकर डर गई, ओरे माँ रे, ओरे पिसी रे, अभी मर गला, मैं देखो पागल ट्रेस जा बाहर, अरे देखो वो पागल फिर से आ गया, वो तंत्रिक तंत्र मंत्र करके मेरे गर्भवत संतान को नष्ट करने के लिए आ गया। माँ कहा अरे नहीं नहीं वो कुछ नहीं करेगा, तू जा। फिर जाके तीन कोड़ी बंदोपाध्याय को माँ डांटती है, अरे इतने बार तो तुझको मना क्या किया, यहाँ पर हम लोग औरत लोग रहते हैं, यहाँ पर मत आओ मत आओ मत आओ। जीवनी कारण ने इसका उल्लेख किया, नाम नहीं लिखा। माँ को डर, जा यहाँ तो प्रसाद वसाद दे के जा। माँ मेरे दीक्षा का क्या होगा, बोला ना होगा, इतना चिंता क्यों करते हैं, जा इधर फिर कभी मत आना। चला गया प्रसाद प्रसाद लेके, फल वल लेके चला गया। जरा माटी में इसके बाद फिर कई एक बार भेंट हुई, वो माँ को खाली बोलता, माँ एक बार तुम हमारे वहाँ चलो हसन डांगा चलो, नहीं नहीं वहाँ तुम्हें मुझको नहीं जाना है, वहाँ पर मैं मुझे नहीं जाना है, वहाँ पर तुम लोग बलि वलि देते रहते हो वहाँ पर सब, वहाँ मुझे नहीं जाना है। फिर रोता पागल, वो कैसे व्यवहार करता, माँ तुम अगर नहीं जाओगे तो मेरा क्या होगा, बोला ना होगा होगा तुम्हारा होगा, यही होगा तुम्हारा। अंत में वह दिन आ ही जाता है जब शारदानंद महाराज आकर 1919 साल में माँ को जरम माटी से ले जा रही हैं कलकत्ता। जरम माटी में तब 64 परिवार हुआ करते थे, सिर्फ 64, छोटा सा गांव जरम माटी। तो कई दिनों से हर एक के गांव में माँ जा रही है, हर एक के घर में माँ जा रही हैं, जाके मिल रही हैं, विदा ले रही हैं, बड़ों से आशीर्वाद मांग रही है, छोटों को प्यार कर रही हैं, सबको कुछ 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 देते हुए आ रही हैं। आसपास के गांव के जो लोग माँ के घनिष्ठ थे उन लोगों को खबर दिया जा रहा है, कुछ अननेचुरल बिहेवियर। माँ इसके पहले न जाने कितने बार कलकत्ते गई, मगर ऐसे तो कभी अनुष्ठानिक रूप से विदाई तो कभी नहीं मांगी। तो उसमें पालकी वाहक
जो लोग थे वे लोग भी आए। सब कुछ ठीक ठाक, किसको ये साड़ी, किसको ये, शारदानंद महाराज को बोले थे तुम जब आओगे इतना साड़ी ले आना, इतना धोती ले आना, इतना ये ले आना। सिंहवाहिनी मंदिर के लिए बर्तन वर्तन जो अभाव था वो बर्तन वर्तन, जगद्धात्री पूजा के लिए सब कुछ। और किशोरी महाराज को जिम्मेदारी दे गए कि बाबा किशोरी इसके बाद तो तुझे ही को संभालना पड़ेगा। यह जगद्धात्री पूजा का में एक दिन में ही तीनों प्रहर हो जाता है। प्रथम प्रहर में जितना भी निकलेगा प्रसाद के रूप में माँ के गुरु वंश को देना पड़ेगा। द्वितीय पूजा में सब तो अष्टमी के पूजा के दिन जितना निकलेगा उसका कुछ पुरोहित वंश, पहले वाला तो गुरु वंश पुरोहित तंत्रधारक और माँ के रिश्तेदारों के पास चला जाएगा। माँ के जो लोग भाई लोग थे उनके परिवार में द्वितीय पूजा का प्रसाद, और तृतीय पूजा के प्रसाद से गांव के जो बाद बाकी ग्रामीण लोग हैं, भक्त लोग हैं, गांववासी हैं, साधु है, ब्रह्मचारी है, उनको देना। मगर तीन दिन रखना, यहाँ पर माँ तीन दिन रहेंगी, दूसरी जगह तो एक दिन ही रहती है, मगर तीन दिन दसोपचार में पूजा करना, सब समझा के गई। जाते जाते वहाँ पर यात्रा सिद्धि की एक मंदिर है, वहाँ पर जाकर ऊपर उठ गई। ऊपर उठकर मिट्टी को लेकर माँ अपने सिर में लगाती है, माथे पर लगा के कहती है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सात बैलगाड़ियाँ हैं, पहले वाले बैलगाड़ी में शरत महाराज जाएंगे विष्णुपुर, रात की ट्रेन है ये, सुबह 8:30-9 बजे का समय विदा ले रहे। ग्वालपाड़ा में जाएंगे, वहाँ खाना वाना खाएंगे, उसके बाद वहाँ से विष्णुपुर पहुँचेंगे 12:00 बजे तक। जब जननी जन्मभूमि से स्वर्ग तभी करी ऐसे करके माँ प्रणाम कर रही है, ये भी जीवनी में है। किशोरी महाराज से रहा नहीं गया, सिसक सिसक कर रो गए किशोरी महाराज और कहने लगे कि माँ मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। अरे क्यों जाएगा तू मेरे साथ, तो कितना दिन समझाया जो है ना मट में, ये करना ये करना ये करना ये करना ये करना है, नहीं मुझे पता चलेगा कि तुम नहीं आओगे। अरे मैं नहीं आऊंगी तो क्या, शारदानंद महाराज डांटते हैं, डांटते हैं, अरे तू जा यहाँ से, क्या बचपना कर रहा है, माँ जब बोल रही तू जा। तो वो कहते हैं कि माँ ठीक है मैं रहूँगा, मगर तुमको वादा करना पड़ेगा कि जब मैं जाऊँगा तुमको मुझे लेने आना पड़ेगा। जैसे शिवबुद्धा को तुमने वचन दिया है जब तुम उनके अंतिम काल में तुम आओगी उनको लेने आओगी, अपना स्वरूप दिखाओगी मुझे भी। माँ कहने लगे अरे पागल मैं अकेले क्यों, हम तीनों आएंगे। तीनों मतलब मैं भी आऊँगी, जगद्धात्री का ठीक ठीक करके सेवा करना वो भी आएंगे, सिंहवाहिनी हम तीनों आएंगे, चिंता मत कर। आश्वस्त हो गए, सातों के सातों बैलगाड़ी निकल गई वहाँ से। हो ना हो उसी दिन 10:30-11 बजे तीन कोड़ी बंदोपाध्याय का आगमन होता है जयराम भट्टी। आगे देख रहे पूरा गांव में सन्नाटा छाया हुआ, किसी के घर में चूल्हा तक नहीं जला, माँ चली गई। यही चर्चा हो रही कि माँ चली गई, अब आएंगी नहीं। किशोरी महाराज के पास गए, किशोरी महाराज भी सोचने लगे क्या होगा। बोले अगर किशोरी दा क्या हुआ पूरे गांव में ऐसे, अरे माँ तो गई है और तो नहीं आएगी, नहीं आएगी और तो मेरा क्या होगा। तो कहने का एक उपाय हो सकता है, अभी चल ग्वालपाड़ा में जाते हैं, अभी हाल चल जाए जाएंगे तो अभी मिल भी सकते हैं वो, चलो। तो ये लोग तो दूसरे रास्ते से गए थे, ये लोग शॉर्टकट से देसरा होकर जाएंगे। आमोदर नदी में एक छोटा सा नाव रहता था, इधर भी एक बड़ा पेड़ पीपल का, उधर भी एक बड़ा पेड़, तो दृश्य से बांध दिया जाता था। जब दोनों पेड़ से एक ही नाव रस्सी से बांधा, इसको खींच लिया, अगर उस वो पड़ रहे तो नाव इधर आ गई, दोनों बैठ गए उधर खे के चले गए। तो दोनों गए किशोरी महाराज और तीन कोड़ी बंदोपाध्याय। इधर लोगों का तब तक ग्वालपाड़ा में पहुँच कर
खाना भी हो गया, थोड़ा विश्राम करने के बाद अब करें, चलो चलो चलो, शारदानंद महाराज कह रहे हैं कि चलो 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 जल्दी करो। माँ भी जा नहीं रही है। राधो दी, नलिनी दी, माकू दी, छोटी मामी, इन सबको भिजवा दिया माँ ने। अकेले माँ किसी के लिए इंतजार कर रही है। बहुत व्याकुलता के साथ बार बार देख रही है, इधर उधर देख रही है, चल रही है चल रही है, बहुत विचलित चित्त। माँ को इतना विचलित होते हुए कभी किसी ने देखा नहीं था, बहुत शांत स्वभाव ने। शारदानंद महाराज बार बार खबर भिजवा रहे हैं। अंत में तो केदारानंद महाराज, केशवानंद महाराज, केदार महाराज को जाके कहते, जाके जल्दी से बोले माँ को जाना है कि नहीं जाना है, भाई ट्रेन तो छूट जाएगी, कहाँ कोलपरा कहाँ बिष्णुपुर, अभी 18 किलोमीटर जाना है, बैलगाड़ी में स्पीड ही कहाँ, हम लोग आज के जमाने में गाड़ी में सोचते 18 किलोमीटर भी कोई दूरी है क्या, मगर मिट्टी का रास्ता, बैलगाड़ी इतनी, फिर वहाँ जाके इतने सामान उतारना, फिर ट्रेन में सामान। माँ आप कठोरा हो गई, माँ कहती है कि शरद को क्या मालूम, उसको जाके बोल दो कि हम लोग औरत लोग हैं, हम लोग को तैयार होने में जरा समय लगता है, उसके पास अगर समय ना हो उसको बोल दो गाड़ी छोड़ दे, मेरे लिए गाड़ी रख के चले जाए, मैं राधू को लेकर ठीक स्टेशन पहुंच जाऊंगे। अरे केशवानंद महाराज सोचने लगे माँ शारदानंद महाराज के बारे में ऐसे कठोर उक्ति कर रही है। इस बीच देख रहे दूर से कोई दो बिंदु कैसे जीवनीकार लोग इतना सुंदर साहित्य के साथ लिख रखते हैं गंभीरानंद महाराज कि दूर से दो काले काले बिंदु आ रहे हैं, तत्किशोरी महाराज और तीन कोड़ी बंदोपाध्याय मैदान मैदान से दौड़ते हुए आ रहे हैं, हंसता 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 हंसते आते 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 देखे। केशवानंद महाराज दौड़ के गए, शारदानंद महाराज को बोला कि ये बात है, आप लोग चले जाइए, माँ शायद किसी के लिए इंतजार कर रही हैं, और कह रहे कि देखो तो जब नज़दीक आ रहे हैं, फिर दौड़ के आ गए यहाँ पर, देख रहे हैं हाँ ये तो किशोरी आ रहा है, गिरुअपन कर लंबे चौड़े थे किशोरी महाराज, और किशोर के साथ फिर से वही पागल आ गया। अरे जगह फिर से दौड़ के गए जगन्नाथ आश्रम से योगाश्रम, कह महाराज वो पागल फिर से आ गया, किशोरी का देखो देखो किशोरी कांडो देखो, किशोरीटा से पागलटा के नहीं आसछे, देखो किशोरी का वो दिमाग देखो, उस पागल को लेकर चलाया, और शायद उसी के लिए मां इंतजार कर रही थी। माँ बहुत शांत भाव से कहने के आओ बेटा आओ, इतना देर कर दिया, तुम्हारे लिए कब से राह देख रही थी, जल्दी करो, समय नहीं है जल्दी करो। मदर न्यू वेट कैटेगरिकली दैट आज उनका बेटा आ रहा है, अपरेंटली जो पागल है इंतजार कर रही है, पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इंतजार करते करते तो जगदम्बा आश्रम के पास ही तब बोस पुकुर हुआ करता था, छोटा सा तालाब, बोस लोगों का जैना मट्टी में बोस लोगों का तालाब था, अब तो उसको भरवा दिया गया, बोस पुकुर नहीं है। उसके बगल में तब धान कट चुका था, धान को झाड़ने के बाद जो खौड़ बोलते हैं बंगला में, जो उसका स्ट्रॉ वगैरह होता है वो हीप करके रखते हैं, तो यहाँ पर किसी का एक धान का हीप है, तो यहाँ पर एक धान झाड़ने के बाद जो होता है उसका एक हीप है, दोनों के बीच में गली है। गंभीरानंद महाराज भी लिखते हैं उस छोटे से गली के अंदर, माँ कहते आओ 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 यहीं आओ यहीं आओ, लो दुटो आठी खौड़ बार करो तो देखी बाबा टेने, दो बंडल वो इतना मोटा मोटा करके उसी से लपेट कर बांध दिया जाता है, कह लो बेटा दो उसमें बंडल को खींच के निकालो, तो दो बंडल को खींच के निकाला गया, कुशासन कैसे उसको बिछाया गया, कह बैठो, माँ के घुटने में दर्द, आपात दृष्टि से माँ टांग को मोड़ नहीं सकती, बैठ नहीं पाती, मगर उस दिन पता नहीं क्या एक दैवी क्षमता से माँ वहाँ पर बैठती है, मंत्र देती है, और पीछे से किशोरी महाराज और केशवानंद जी छिप छिप कर देख रहे हैं, क्या पता तो चल गया उन लोगों को कि मंत्र आज दीक्षा दे रहे हैं, ये भी उनको मालूम था कि बहुत दिनों से 4-5 साल से वो परेशान करता रहता था माँ को, माँ दीक्षा दो दीक्षा दो दीक्षा दो,
तो दीक्षा समापन हो गया। माँ कहते वो प्रणाम करता है, यूँ करके प्रणाम करता है, कहते नहीं बेटे आज तक थी मैं तुम्हारी माँ, आज मैं गुरु बनी हूँ, गुरु को ऐसे प्रणाम नहीं करते हैं, गुरु के पाँव में सिर लगाकर प्रणाम करते हैं। प्रणाम क्या? माँ कहते दोनों हाथ फैला देती है, कल्पना करिए एक दृश्य, इसको नाटक उपन्यास कैसे मत सोचिए, कल्पना करिए सामने घट रही है, इधर स्ट्रॉ का एक हीप, इधर स्ट्रॉ का हीप, बीच में गली, गली में माँ बैठी है, आद्य शक्ति परमा प्रकृति, और उनके सामने उनके प्यारे पुत्र संतान शिष्य बैठे हैं। दीक्षा हो गई, माँ हाथ फैला कर, दोनों हाथ फैला कर माँ कहती हैं ये किशोरी महाराज ब्यास से करके करते थे, और कि ये करते करते उनका गला रुद्ध हो जाता था जब ये घटना को बोलते थे, हाथ कांपता था कि उन्होंने अपने आँखों से देखा, अपने कानों से सुना उन्होंने। कहते दो बाबा दो दक्षिणा दो। तीन कुड़ी बंदोपाध्याय कहते दक्षिणा मेरे पास कुछ भी नहीं है माँ। नहीं बेटा, दीक्षांत अगर दक्षिणा ना दो तो दीक्षा अधूरा रह जाता है। दो माँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, नहीं माँ कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, सोच लो मुझको देने लायक तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तब शिशक कर रो उठता है, कहता हाँ माँ है लोगी तुम लोगी, जन्म जन्मांतर का पाप काली माँ कलंक है मेरे पास, लोगी। माँ कहते दो बेटे वही दो। तब तक माँ खड़ी हो गई, साष्टांग प्रणाम करके एक बार वो देखा, यूं करके दो बार दी तेरे भाई, यूं देखा सिर माँ के पाँव पर सिर रख के एकदम आस्ते आस्ते माँ झुक करके तीन कोड़ी बंदोपाध्याय के सिर को उठाकर बगल में रखती है, चली आती है। तब किशोरी महाराज और उनको कहती है कि थक पड़े थक बड्डो दिक कर तो, अब रहने दो उसको, पड़े रहने दो, बहुत परेशान करता था, पड़े रहने दो, चलो 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 चलो, देर मत करो, चलो 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 करके गाड़ी छोड़ दे चले गए। घटना का एक हिस्सा यहाँ पर समाप्त होता है। किशोरी महाराज भी इंतजार कर रहे हैं, एक घंटा पड़ा है तो पड़ा, दो घंटा पड़ा है, तीन कोड़ी बंदोपाध्याय तीन घंटा पड़ा है, चार घंटा पड़ा है, उठने का नाम नहीं ले रहा है। संध्या के समय बंगाल के गाँव गाँव में शंख वादन होता है, घर घर में शंख की आवाज़ जब गूंज उठी तब उसका नींद, ये लोग सोच रहे कि सो गया क्या, नहीं ये कैसे हो सकता है, चलो देखते हैं। जब उठता है, जब वो उठता है, उठ के देखता है, संध्या हो गई, किशोर महाराज और केशवानंद महाराज पूछते क्या हुआ भाई, इतने घंटे तक तुम सो गए, माँ माँ तो गई, हुआ क्या था? गला रुद्ध बोल नहीं पा रहा है। जब माँ उठी, ये भिक्षा मांगकर, ये दक्षिणा लेकर मांगकर, तब मैं देख रहा हूँ कि जब प्रणाम फिर से करने लगा, वो देख रहा हूँ ये तो चरण माँ के नहीं है, ये तो काली के चरण है, माँ काली के चरण पाँव, ये तो माँ के एक वृद्धा मानवीय का तो पाँव नहीं है, ये चरण नहीं है। ऊपर उठती है, माँ को नहीं, माँ काली का इष्ट देवी का दर्शन हो जाता है। फिर पाँव की तरफ देखते हैं, फिर ऊपर देखते हैं, तो इष्ट देवी का, काली का मंत्र भी प्रदान किया, काली का इष्ट देवी का दर्शन भी करवाया माँ ने। तो ये है, तो यही एक ही चरित्र में, एक ही लीला में माँ का स्नेह भी हम लोगों ने देखा, माँ का गुरु रूप भी हम लोगों ने देखा, और माँ का देवी रूप में अपने संतान को, अपने भक्त को दर्शन देते हुए भी हम लोगों ने देखा। तो यही जब हम लोगों ने पढ़ा सुना कि जब ध्यान करते करते कामना वासना कम होता रहता है, कर्म पाश छटते रहते हैं, इंद्रियों का प्रभाव म्लान होता रहता है, ईश्वर प्रेम बढ़ता रहता है, वासना दूरीभूत होती रहती है, निर्वासना अवस्था में भगवत प्राप्ति, यही माँ मानो कि हम लोगों को भिक्षा दे रही है, यही माँ मानो कि हम लोग को दीक्षा दे रही है। तो आइए माँ के इस भावना को लेकर
कितने सुंदर सुंदर लीला माँ के चरित्र में हैं। रोज हम लोग मातृ लीला अनुध्यान अनुचिंतन करते हुए अपने इस भक्त जीवन को सार्थक बनाए। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ओम स्वामी स्वहानंद जी महाराज जी का नाम आपने सुना होगा। वे स्वामी विज्ञानानंद महाराज जी के शिष्य थे। जब उन्होंने दिल्ली सेंटर का चार्ज लिया था तो बहुत से भक्त अपनी अपनी समस्या लेके उनके पास आते थे, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या बोलूं। तो वे एक बार जब वृंदावन गए, वहाँ श्री माँ शारदा देवी के शिष्य गोपेश महाराज, स्वामी शारदेशानंद जी महाराज, उनको उन्होंने कहा, महाराज ये बहुत से भक्त अपनी अपनी समस्या लेकर आते हैं और बहुत दुखी रहते हैं, तो मैं क्या कहूँ उनको। महाराज ने उनको एक सुंदर एक विचार दिया, बोले देखो तुम जो कहते हो वह मुख्य नहीं है, पर इतने वर्षों तक तुमने जो तपोपूत जीवन व्यापन किया है और उसकी जो परम शांति तुमको मिली है, उस शांति से ही उन भक्तों का दुख अपने आप दूर हो जाएगा। ऐसे ही पिछले 3 दिनों में हमने जो देखा कि महाराज के तपोपूत जीवन से उद्भूत उनकी जो अमृतमयी वाणी का हमको पान करने को मिला, और माँ की लीला के ऐसे दृश्य और वरिष्ठ साधुओं के जीवन के ऐसे दृश्य महाराज इस प्रकार हमारे सामने व्यक्त करते थे कि ऐसा लगता था कि हमारे सामने वो घटना घट रही है। इससे जो हमको आनंद मिला है और जो भक्त लोग आके कार्यालय में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उसको शब्दों में व्यक्त हम नहीं कर सकते। तो आप सब भक्तों की तरफ से और राजकोट आश्रम की तरफ से मैं महाराज के चरणों में प्रणाम कर कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और जैसे हमारे स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज हर आभार विधि में कहते हैं आवजो, ऐसे महाराज से भी प्रार्थना करता हूँ कि महाराज प्रत्येक वर्ष यहाँ आकर हम सबको अपनी अमृतमयी वाणी से पान कराकर हमारा मार्गदर्शन करें। अंत में महाराज से मैं अनुरोध करूंगा कि वे आगे आएं और भक्तों को प्रणाम करने का अवसर दें।